नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बिहार में दरोगा परीक्षा पेपर और ओएमआर पेपर लीक मामले को लेकर के आज पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के पटना यूनिवर्सिटी से होते हुए मुसल्लमपुर हाट तक पैदल मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और सीबीआई की टीम जो है वो इसकी जांच करे। जरा देखिए क्या कुछ कहना है परीक्षार्थियों का और साथ ही साथ क्या ये मांग कर रहे हैं। जो है परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था, उसका आंसर भी आउट हो गया था और उसका जो हम लोग है आयोग में जाके दिए भी प्रूफ मोबाइल के साथ, तो हम लोग को बोला गया कि आप लोग को जांच के लिए बुलाया जाएगा। मोबाइल नंबर दिया गया लेकिन हम लोग को आयोग की तरफ से कभी न कॉल आया न बुलाया गया। हम लोग जब उनको फोन कर रहे तो फोन भी रिसीव नहीं किया गया और रिजल्ट भी नहीं दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं जो क्वेश्चन जो आउट हुआ उसका सीबीआई जांच और इसमें जो शिक्षा माफिया सभी लोग हैं उनपे कठोर कार्रवाई की जाए। आज कहाँ तक जाएंगे? आज हम लोग पूरे बिहार में बंद कर डाल के सभी निजी कोचिंग संस्थान को बंद किया गया है और प्रत्येक जिला में डीएम कार्यालय जाके ज्ञापन सौंपा जा रहा है राजभवन मुख्यमंत्री के नाम से। और यहाँ हम लोग पटना साइंस कॉलेज से मुसल्लम पार होते हुए बिना पारी होते हुए कारगिल चौक तक जाएंगे। यहाँ तो आपको लगता है 20-25 हजार स्टूडेंट, 20-25 हजार स्टूडेंट। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से दरोगा बहाली परीक्षा हुई थी उसमें ओएमआर शीट जो है उसके लीक होने की खबरें आई थी, साथ ही साथ पेपर लीक होने की भी खबरें आई थी, जिसके बाद से लगातार जो अभ्यर्थी थे परीक्षार्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और एक बार फिर इन्होंने परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। जरा नजारा देखिए कि किस तरीके से छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज 111। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।